नमस्कार स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस 400 प्लस। और आज की इस क्लास में हम पेपर द हिंदू 22 मार्च के द हिंदू से हम दो आर्टिकल लेंगे, दोनों श्रीलंका पर आधारित हैं और हम लोग बातचीत करेंगे हिंदी में। मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। पहला आर्टिकल है श्रीलंका एग्रेवेटिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, पहला ये, और दूसरा इसी पर है श्रीलंका टर्न्स टू चाइना फॉर फर्दर $2.5 बिलियन असिस्टेंस। तो इन दो आर्टिकल को समझेंगे। ऑब्वियसली ये आपके पेपर जी एस टू मेन्स में GS2 के लिए बहुत उपयोगी हैं, प्रीलिम्स के लिए भी उपयोगी हैं और बाकी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। और इन दो आर्टिकल को पढ़ाने के बाद मैं दो टॉपिक्स पे चर्चा करने के बाद मैं एक क्वेश्चन का जो कि सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 के GS1 पेपर से लिया गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल है उसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और ये मेरा चैनल है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं अभी। ओके, तो चलिए लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। सो द आवर फर्स्ट आर्टिकल इज श्रीलंका एग्रेवेटिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। व्हाई डिड द आइलैंड नेशन इज ऑब्वियसली श्रीलंका रीच दिस पॉइंट। तो आइलैंड नेशन इस पॉइंट पे कैसे पहुंचा। हाउ हैज़ इंडिया एक्सटेंडेड सपोर्ट एंड असिस्टेंट टू इट्स नेबर। हिंदुस्तान ने, भारत ने अपने पड़ोसी देश को मदद और सहायता किस प्रकार पहुंचाई है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। द इकोनॉमिक मेल्टडाउन स्टार्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ पेंडेमिक इन 2020। तो ये जो आर्थिक मंदी है ये शुरू हुई पेंडेमिक मारे महामारी 2020 में, जब महामारी की जब पहली वेव आई तब ये आर्थिक मंदी शुरू हुई। कब, जब आर्थिक मंदी कैसे शुरू हुई, जबकि फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग सेक्टर्स यानी कि ऐसे फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग सेक्टर्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मतलब जहां से हमारे पास विदेशी मुद्रा आ रही थी जिन सेक्टर से, तो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग सेक्टर सच एज एक्सपोर्ट्स ऑब्वियसली निर्यात एंड रेमिटेंस, बाहर जो रहने वाले लोग हैं श्रीलंका से बाहर वो ऑब्वियसली वहां की मुद्रा भेज रहे थे श्रीलंका में, तो रेमिटेंस अलॉन्ग विद टूरिज्म, और टूरिज्म के लिए जो विदेशी टूरिस्ट आ रहे थे ऑब्वियसली वो भी इन्फ्यूज कर रहे थे विदेशी मुद्रा को श्रीलंका के खजाने में। ओके, तो ये सब बंद हो गया तो इससे इकोनॉमिक मेल्टडाउन शुरू हुआ, आर्थिक मंदी शुरू हुई। ओके, और ऑब्वियसली ये सब जो मैंने भी आपको जो फील्ड बताई ये सब ब्रूटली हिट हुए, बहुत ब्रूटली मतलब होता है क्रूरता से, तो इन पे बहुत क्रूर प्रहार हुआ इन द फर्स्ट वेव ऑफ पेंडेमिक इन 2020। ओके, सिंपल। द श्रीलंकन रूपी, जो श्रीलंका का रुपया है, हैज़ फॉलन टू नियरली 265 यानी कि 265 श्रीलंका रुपए का एक डॉलर हो गया है ऑब्वियसली अगेंस्ट द यूएस डॉलर। तो श्रीलंकन रुपी हैज़ फॉलन टू नियरली 265 अगेंस्ट द यूएस डॉलर। ओके, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इज एट 16.8%, बहुत ज़्यादा है, एंड श्रीलंका हैज़ टू रिपे फॉरन डेट टोटलिंग नियरली $7 बिलियन दिस ईयर। तो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो था वो 16.8% पे पहुंच गया और श्रीलंका को करीब करीब इस साल में $7 अरब का जो विदेशी कर्ज है उसका भुगतान करना है एंड कंटिन्यू इंपोर्टिंग एसेंशियल्स फ्रॉम इट्स ड्विंडलिंग डॉलर अकाउंट। तो इसका जो लड़खड़ाता हुआ जो डॉलर अकाउंट है, जो डॉलर वाला खाता है, फॉरेन एक्सचेंज वाला जो खाता है, उससे इसको ऐसे एसेंशियल्स जो कि आवश्यक हैं उन एसेंशियल्स की पूर्ति विदेशों से करने के लिए उनको आयात भी करना है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी बता दें, चूँकि श्रीलंकन रुपी की बात हुई है और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन की बात हुई है और फॉरेन डेट की बात हुई है, तो हिंदुस्तान से कंपेयर कर लेते हैं एक। सो अगर हम इंडियन रुपी की बात करें, सो $1 इक्वल टू लगभग 76 पॉइंट समथिंग में लिख, लगभग 77 से कम है वैसे। ओके, $1। और अगर हम बात करें कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन इन इंडिया, CPI, सो इट इज़ इक्वल टू लगभग 4.9%, एंड एक्चुअली 7 बिलियन जो इसका फॉरेन डेट है श्रीलंका का, हिंदुस्तान का इससे कहीं बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम यहाँ पर एक जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जो फॉरेन डेट की जो कंपैरिजन करेंगे दो कंट्रीज़ में, पाकिस्तान को भी ले लेते हैं, तीन कंट्रीज़ में जो हम विदेशी कर्ज की जो कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, उसको हम करेंगे
परसेंटेज ऑफ जीडीपी के टर्म्स में, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा क्योंकि आपने एक इसमें बेंचमार्क ले लिया, ठीक है ना। तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी में करते हैं, तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का लगभग लगभग 20% है। सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, वैसे 20.2 या 20.3% है, लेकिन चलिए 20% मान लेते हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की जीडीपी का लगभग 43% है, और अगर हम श्रीलंका की बात करें तो ये लगभग लगभग 68% फॉरेन डेट इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। ओके, तो जनवरी 2022 से अगर हम बात शुरू करें तो हिंदुस्तान ने लगभग 2.4 बिलियन डॉलर की, 2.4 अरब डॉलर की सहायता अपने पड़ोसी यानी कि श्रीलंका को दी है। फिर भी हाउएवर तब भी देयर इज ग्रोइंग स्केप्टिसिज्म, बहुत संदेह और संशय है श्रीलंकन मीडिया में ओवर इंडियन असिस्टेंस, हिंदुस्तान की इस मदद को लेकर। और ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है श्रीलंका को एक तरह से बांध रहा है अपने साथ कुछ की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, अधोसंरचनात्मक जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर, जो कि आइलैंड नेशन यानी कि श्रीलंका में हो रहे हैं उसमें लेके जो भारत का जो मदद का जो इन्फ्यूजन है। तो श्रीलंका का मीडिया ये बोल रहा है कि इट्स बीइंग टाइड, आई मीन श्रीलंका इस मदद को लेकर श्रीलंका में थोड़ा सा संदेह का आवरण है, संदेह के बादल है, स्केप्टिसिज्म है। ओके, अभी तक की कहानी क्या है, द स्टोरी सो फार। श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस इज एग्रेवेटिंग रैपिडली, श्रीलंका क्या जो आर्थिक परेशानियां हैं, आर्थिक दिक्कत है, वो बढ़ रही है रैपिडली, बहुत त्वरित गति से बढ़ रही है, पुटिंग सिटीजन्स थ्रू इनॉर्मस हार्डशिप्स, और इससे ये अपने नागरिकों को बहुत मुश्किलात में रख रही है। ओके, ओवर द वीकेंड सप्ताह में क्या हुआ है कि एटलीस्ट दो सीनियर सिटीजन्स डाइड, उनकी मृत्यु हो गई है वाइल वेटिंग इन लॉन्ग क्यूज टू बाई फ्यूल, फ्यूल को खरीदने के लिए, ईंधन खरीदने के लिए वो क्यू में लगे हुए थे और वहाँ उनकी डेथ हो गई। और प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल स्पाइक कर गया है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है, श्रीलंकन रुपीज़ 4,199 का हो गया है कुकिंग गैस का सिलेंडर, और यहाँ पर अगर हम इससे इंडियन रुपीज़ से कंपैरिजन करें श्रीलंकन सिलेंडर का कॉस्ट, तो ये करीब करीब 1150 रुपये बैठता है। और इसके पश्चात अगर मिल्क पाउडर की बात की जाए जो कि वाइडली यूज़ होता है श्रीलंका में, इसका दाम 600 रुपये श्रीलंकन रुपये के आसपास, पर 600 रुपये पर केजी श्रीलंकन रुपी लगभग इतना हो गया है। एंड अथॉरिटीज वर फोर्स टू कैंसिल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर मिलियन स्टूडेंट्स ड्यू टू ए शॉर्टेज ऑफ पेपर, और जो अथॉरिटीज़ हैं श्रीलंका की उनको मजबूरी वश जो स्कूल एग्जामिनेशन हैं जो कि लाखों बच्चे देते हैं उनको कैंसिल करना पड़ा है क्योंकि पेपर की शॉर्टेज थी। ओके, वाई आर प्राइसेस सोअरिंग एंड वाई इज देयर ए शॉर्टेज, प्राइसेस बहुत तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं और चीज़ों की कमी क्यों है। श्रीलंका इज इन द ग्रिप्स ऑफ वन ऑफ द वर्स्ट इकोनॉमिक मेल्टडाउन्स इन द हिस्ट्री, श्रीलंका इतिहास में अगर हम देखा जाए तो सबसे खराब मंदी के ग्रिप्स में है, के दौर में है। ओके, और फर्स्ट वेव जो आई पेंडेमिक की यानी कि कोरोना वायरस की जो पहली वेव आई 2020 में, इसने ऑफर्ड अर्ली एंड श्योर साइंस ऑफ द डिस्ट्रेस, इस समस्या के, इस प्रॉब्लम के बहुत शुरुआती और पक्के संकेत दे दिए थे। ओके, जब व्हेन थाउजेंड्स ऑफ श्रीलंकन लेबरर्स इन वेस्ट एशियन कंट्रीज वर लेफ्ट स्ट्रैंडेड एंड रिटर्न जॉबलेस, कब, जब हजारों श्रीलंकन जो श्रमिक थे जो कि वेस्ट एशियन कंट्रीज में फंसे हुए थे बिना जॉब के छोड़ दिए गए, स्ट्रैंडेड छोड़ दिए गए, तो ये जो लेबरर्स थे ये फंसे हुए छोड़ दिए गए और वो जॉबलेस होकर बिना किसी जॉब के वो वापस लौटे। और श्रीलंका की जो गारमेंट फैक्ट्रीज थी, जो कपड़ा उद्योग था, और टी एस्टेट्स थी, चाय के बागान थे, वो फंक्शन नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि जो इन्फेक्शन था जो संक्रमण था कोरोना वायरस का, रेज्ड इन क्लस्टर्स, जो समूह में वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, एंड थाउजेंड्स ऑफ यूथ, हजारों युवा लॉस्ट देयर जॉब्स इन द सिटीज, शहरों में हजारों युवाओं ने अपनी नौकरियां खो दी, एज एस्टेब्लिश एब्रप्टली सेट देम और शट डाउन, क्योंकि प्रशासन ने उनको यानी इस उद्योग को एब्रप्टली सेक, या तो अचानक सेक कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया, या बंद करा दिया। ओके, इट मेंट, इसका मतलब था दैट ऑल की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग सेक्टर्स, की जितने भी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग सेक्टर्स थे, वो सारे सेक्टर्स जो विदेशी मुद्रा का को अर्न कर रहे थे, को कमा के दे रहे थे श्रीलंका को, वो सब, और अच्छा कौन कौन से सेक्टर्स, सच एज एक्सपोर्ट्स, निर्यात,
रेमिटेंस बाहर से जो पैसा आ रहा था, बाहर श्रीलंकन सिटीजन जो बाहर काम कर रहे थे बाहर से अपना रेमिटेंस श्रीलंका में भेज रहे थे, रेमिटेंस अलोंग विद टूरिज्म ऑब्वियसली पर्यटन, दे वर ब्रूटली हिट, उन पे बहुत बुरी मार पड़ी। द लैक ऑफ ए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी टू रिस्पॉन्ड टू द क्राइसिस, यानी कि जो तो ये जो संकट सामने आया इसको रिस्पॉन्ड करने में कमी थी किस चीज़ की, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी की, एक समेकित रणनीति की एक कमी थी। और उसमें भी कुछ और चीज़ और जुड़ गई, क्या थी, कुछ पॉलिसी डिसीजंस पिछले साल लिए गए, कौन से पॉलिसी डिसीजंस, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट्स एब्रप्ट स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, सरकार ने अचानक ये निर्णय लिया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पर स्विच किया जाएगा, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाएगी। तो ये सब इल एडवाइज्ड, यानी कि जिसे माना गया कि ये दुर्भावनापूर्ण निर्णय है, और इन सब ने समस्या को और ज़्यादा बढ़ा दिया। इन अगस्त लास्ट ईयर, पिछले साल अगस्त में, द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इमरजेंसी रेगुलेशंस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल फूड आइटम्स, तो सरकार ने इमरजेंसी की रेगुलेशंस की घोषणा कर दी, किस काम के लिए, वितरण के लिए, जो एसेंशियल फूड आइटम्स थे उनके वितरण के लिए सरकार ने इमरजेंसी रेगुलेशंस की घोषणा कर दी, एमिड वाइड इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस टू सेव डॉलर्स, तो जो इम्पोर्ट हो रहे थे उन इम्पोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी गई, किस लिए बढ़ा दी गई, कि ताकि डॉलर्स को बचाया जा सके, जो आयात हो रहा था उस पर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई ताकि डॉलर्स को बचाया जा सके। यानी कि ये श्रीलंका है, आयात यहाँ से आ रहा था, तो ऑब्वियसली पेमेंट डॉलर में जाता, तो डॉलर को बचाने के लिए आयात पर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, विच इन टर्न लेड टू कॉन्सिक्वेंट मार्केट इररेगुलरिटीज एंड रिपोर्टेड हॉर्डिंग, और इससे क्या हुआ, बाजारों में अनियमितताएँ हुई और जमाखोरी प्रतिवेदित हुई। ओके, अब 2021 के अंत तक कंट्री के, यानी कि श्रीलंका के जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो प्लमट, माने होता है गिरना, वो 1.6 बिलियन डॉलर तक गिर गए। ऑब्वियसली बहुत ही कम हो गए, मैं आपको यहाँ हिंदुस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उससे भी अभी कंपेयर करूँगा, लेकिन पहले ही स्टेंजा ख़त्म कर लेते हैं। एंड डेडलाइंस फॉर रिपेयरिंग एक्सटर्नल डेट्स लूमिंग, तो ये जो समय सीमा थी एक्सटर्नल लोन्स को चुकाने की वो ख़त्म होने लगी। ओके, और ऑब्वियसली इससे जो सॉवरेन डिफॉल्ट, यानी कि ये जो डिफॉल्ट होने वाले थे, इसके जो खौफ था, इसका जो आशंका थी, जो डर था, वो बढ़ने लगा। बट श्रीलंका मैनेज टू कीप इट्स अनब्लेमिश्ड बेदाग फॉरेन डेट सर्विसिंग रिकॉर्ड, जो इसका जो कर्ज उसको लिया हुआ है उसकी सर्विस करने का रिकॉर्ड, यानी कि टाइम पे चुकाने का जो इसका जो व्यवस्था का रिकॉर्ड था बना हुआ, उसको इसने बेदाग, अनब्लेमिश्ड, जिस पे कोई दाग धब्बा ना हो, बेदाग रखने का प्रबंधन किया, प्रयास किया। एंड ऑल द सेम विदाउट एनफ डॉलर्स टू इम्पोर्ट एसेंशियल सच एज फूड, फ्यूल एंड मेडिसिन, और ईंधन, खाना, भोजन और दवाओं को जो ऑब्वियसली एसेंशियल्स हैं उनको इम्पोर्ट करने के लिए जो डॉलर्स उनके पास नहीं थे, श्रीलंका के पास नहीं थे। द ईयर 2020 बिगैन ऑन ए रादर चैलेंजिंग नोट, सन 2022 जो था एक चुनौतीपूर्ण नोट के साथ, चुनौतीपूर्ण आगाज इसका हुआ 2022 का, मार्क बाई फर्दर शॉर्टेजेस एंड इकोनॉमिक अपहीवल, ये और मार्क हुआ आगे और कमियों से, शॉर्टेजेस से, यानी कि एसेंशियल सामग्री की शॉर्टेजेस से, और इकोनॉमिक अपहीवल, यानी कि आर्थिक उथल पुथल। ओके, सो व्हाट्स हैपनिंग ऑन द ग्राउंड, जमीनी लेवल पे, जमीनी स्तर पे क्या हो रहा है, एट द मैक्रो इकोनॉमिक लेवल, अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक लेवल की बात करें तो ये जितने भी इंडिकेटर्स की बात हुई है वो सब चिंता में डालने वाले हैं, वरीसम है। द श्रीलंकन रुपी, द अथॉरिटीज फ्लोटेड दिस मंथ, हैज फॉलन टू नियरली 265 अगेंस्ट द यूएस डॉलर, तो यूएस डॉलर की तुलना में 265 रुपए का एक 265 रुपए का हो गया है। ओके, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, जो शुरू की स्लाइड में आपने पढ़ा, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 16.8% पर है, और फॉरेन रिजर्व जो है वो मात्र 2.31 बिलियन डॉलर के हैं एट द एंड ऑफ फरवरी। अब यहाँ पर इसकी तो हम लोग बात कर चुके हैं इंडिया के रेफरेंस में, और इसकी बात भी कर चुके हैं। अब हिंदुस्तान का फॉरेन रिजर्व कितना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ओके, इट इज 631.92 बिलियन डॉलर इंडिया का रिजर्व है, और पिछले एक महीने में इसमें बढ़ोतरी हुई है तभी इतना हुआ है। ओके,
श्रीलंका मस्ट रिपे फॉरेन डेट टोटलिंग नियरली $7 बिलियन। तो जो जो श्रीलंका का जो फॉरेन डेट है वो $7 बिलियन के आसपास है, तो उसको इस साल चुकाना है। एंड कंटिन्यू इंपोर्टिंग एसेंशियल फ्रॉम इट्स ड्विंडलिंग डॉलर अकाउंट, और इसका लड़खड़ाता हुआ जो जो डॉलर अकाउंट है उसी लड़खड़ाते डॉलर अकाउंट से इसको बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल जो हैं उनको इंपोर्ट भी करना है। तो इन ए रिसेंट एड्रेस टू द कंट्री, अभी संबोधन करते समय देश को रिसेंटली हाल ही में, प्रेसिडेंट राजपक्षा सेड, राजपक्षा राष्ट्रपति राजपक्षा ने कहा श्रीलंका विल इनकर एन इम्पोर्ट बिल ऑफ $22 बिलियन दिस ईयर, यानी कि श्रीलंका को इस साल में $22 बिलियन के इम्पोर्ट बिल का भुगतान करना है और इससे $10 बिलियन की ट्रेड डेफिसिट बनेगी, यानी एक्सपोर्ट जो है वो लगभग $12 बिलियन के होंगे। नाउ फॉर सिटीजन्स दिस मीन्स लॉन्ग वेट्स इन क्यूज फॉर फ्यूल, तो नागरिकों के लिए, श्रीलंका के नागरिकों के लिए इसका अर्थ है कि फ्यूल के लिए लंबी क्यूज में इंतज़ार करना, और ए शॉर्टेज ऑफ कुकिंग गैस, खाना बनाने वाली गैस फ्यूल की बात, उसके बाद शॉर्टेज ऑफ कुकिंग गैस, कंटेंडिंग विद प्रोलॉन्ग पावर कट्स इन मैनी लोकेलिटीज़, और बहुत सारी इलाकों में श्रीलंका के रेगुलर पावर कट्स, एंड स्ट्रगल्स टू फाइंड मेडिसिन फॉर पेशेंट्स, और बीमारों के लिए दवाइयाँ प्राप्त करने हेतु संघर्ष। तो ये सब वहाँ के नागरिकों के लिए मैंट है, यानी कि उनको ये उनको इसका सामना करना पड़ सकता है। इन फैमिलीज ऑफ वर्किंग पीपल, काम करने वाले जो लोग हैं जो नौकरी में काम पे जाते हैं उनके परिवारों में, द क्राइसिस इज ट्रांसलेटिंग टू कटिंग डाउन ऑन मिल्क, ये जो क्राइसिस आया है, ये जो आपदा आई है, ये ट्रांसलेट हो रही है, ये अनुवादित हो रही है एक तरह से, किसमें, कटिंग डाउन ऑन मिल्क, कि दूध का जो कंजम्पशन है पर डे का, पर मंथ का, बच्चों के लिए उसको कम किया जाए, ईटिंग फ्यूअर मील्स, खाना कम खाया जाए, और गोइंग टू बेड हंग्री, या सोने जब जाया जाए तो पेट भूखा हो। इज देयर रेजिस्टेंस, इसका कोई प्रतिरोध है? यस, हाँ, बोथ सिटीजन्स एंड डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल अपोजिशन, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनके अलग अलग सेगमेंट्स और नागरिक दोनों इसका विरोध कर रहे हैं, और ऑब्वियसली आंदोलन चल रहे हैं, आर टेकिंग टू द स्ट्रीट्स डिमांडिंग, क्या मांग कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट राजपक्षा गो होम, कि प्रेसिडेंट राजपक्षा जो है वो गद्दी छोड़ें। मैनी मीडिया हाउसेज आर क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, बहुत सारे मीडिया हाउस, मीडिया घराने सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वाइल सोशल मीडिया पेजेज आर राइफ, भरे हुए हैं, किस किस से, सोशल मीडिया पेजेज भरे हुए हैं विद मीम्स एंड शार्प कमेंट्री ऑन राजपक्षा। ओके, राजपक्षाज लिखा हुआ है, ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट दोनों ऑब्वियसली ब्रदर हैं श्रीलंका के, और दोनों राजपक्षा हैं। ओके, हाउ इज इंडिया हेल्पिंग, हिंदुस्तान किस तरह से मदद कर रहा है। बिगिनिंग जनवरी 2020, जनवरी 2022 के साथ इंडिया एक्सटेंडेड असिस्टेंस टोटलिंग $2.4 बिलियन। तो हिंदुस्तान ने श्रीलंका को $2.4 बिलियन की मदद दी है, इंक्लूडिंग एंड $400 मिलियन RBI करेंसी स्वैप। और बहुत क्विकली करेंसी स्वैप समझ लेते हैं, करेंसी स्वैप का मतलब ये होता है कि जब दो पार्टीज आपस में विनिमय करती हैं, कुछ ट्रांजेक्शन करती हैं, तो इक्वलेंट अमाउंट के लिए दो डिफरेंट करेंसीज का इस्तेमाल करती हैं, तो दिस इज करेंसी स्वैप। तो $2.4 बिलियन की सहायता दी है भारत ने, जिसमें $400 मिलियन RBI करेंसी स्वैप है, $500 मिलियन का लोन डेफरमेंट है, ऋण को आगे अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है 500 मिलियन लोन को, और फूड और मेडिसिंस को इंपोर्ट करने के लिए, आयात करने के लिए अपने देश की हिंदुस्तान ने क्रेडिट लाइंस को ओपन किया है। ओके, ये प्रोवाइड किए हैं, ठीक, एंड ऑफ दिस, और इसके अलावा, और इसमें ऑफ दिस, इनमें से $1 बिलियन क्रेडिट लाइन पिछले हफ्ते फाइनलाइज की गई थी, $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन ड्यूरिंग फाइनेंस मिनिस्टर बसिल राजपक्षास विजिट टू न्यू दिल्ली, जब वहां के वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बसिल राजपक्षा न्यू दिल्ली आए थे। मीनवाइल, इसी बीच में चाइना इज कंसीडरिंग श्रीलंका रीसेंट रिक्वेस्ट फॉर फर्दर $2.5 बिलियन असिस्टेंस, तो चाइना भी कंसीडर कर रहा है श्रीलंका की रिक्वेस्ट को, किस चीज की, $2.5 बिलियन की सहायता के लिए जो रिक्वेस्ट की है श्रीलंका ने चाइना से, उसको भी कंसीडर कर रहा है चाइना, इन एडिशन टू द $2.8 बिलियन बीजिंग हैज एक्सटेंडेड सिंस द आउटब्रेक ऑफ द पेंडेमिक, जब से इस महामारी का प्रकोप हुआ है चाइना ने ऑलरेडी $2.8 बिलियन की असिस्टेंस दी है, तो इसके अलावा $2.5 बिलियन के लिए श्रीलंका ने चाइना से रिक्वेस्ट किया है। ओके, तो चाइना इसको कंसीडर कर रहा है, और ये बात किसने कही है,
चाइनीज एम्बेसडर ने कही है जो कोलंबो में है। हाउ इज इंडियाज असिस्टेंस बींग व्यूड इन श्रीलंका, तो भारत ने जो मदद दी है वो श्रीलंका में किस तरह से उसको देखा जा रहा है। द लीडरशिप हैज थैंक्ड इंडिया फॉर द टाइमली असिस्टेंस, तो इस समय पर जो सहायता दी गई है श्रीलंका को, इसके लिए श्रीलंका की लीडरशिप ने, श्रीलंका के नेतृत्व ने हिंदुस्तान को, भारत को धन्यवाद दिया है। बट देर इज ग्रोइंग स्केप्टिसिज्म, और एक लेकिन अगर हम बात करें कि या श्रीलंकन मीडिया की बात करें या बाकी दूसरे कुछ और सेक्शन की बात करें, तो उन वहाँ पर एक संदेह का वातावरण है। ओवर इंडियन असिस्टेंस बीइंग टाइड टू न्यू दिल्ली इंकिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन द आइलैंड नेशन इन रिसेंट पास्ट, कि ये जो श्रीलंका के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको भारत अपने साथ संबद्ध किए हुए है, और ख़ास तौर पर जो ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे ज़्यादा संदेह का वातावरण है वो है स्ट्रेटेजिक ट्रिंको मैली ऑयल टैंक फार्म प्रोजेक्ट। और इसके अलावा जो और जो ये जो दूसरा जो एग्रीमेंट हुआ है एनटीपीसी का, रिसेंट एग्रीमेंट एनटीपीसी का विद सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, किस बात के लिए एग्रीमेंट हुआ है, टू सेट अप ए सोलर पावर प्लांट श्रीलंका के ईस्टर्न ट्रिंको मैली डिस्ट्रिक्ट में सामपुर में एक ये सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए एनटीपीसी का सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ एग्रीमेंट हुआ है। और दो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स नॉर्दर्न श्रीलंका में आए हैं विद इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडियाज अडानी ग्रुप, तो हिंदुस्तान का जो अडानी ग्रुप है उसके इन्वेस्टमेंट से दो सोलर एनर्जी के, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट श्रीलंका में आए हैं, ये और एक ये, और ये सब हो रहा है, और ये वाला प्रोजेक्ट। ओके, तो इन प्रोजेक्ट्स को लेकर श्रीलंका में कुछ संदेह का वातावरण है। तो जस्ट क्विकली रिपीटिंग, तीन प्रोजेक्ट्स, तो पहला तो ये ट्रिंको मैली ऑयल टेक फार्म प्रोजेक्ट, और दूसरा एक एनटीपीसी और सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है सामपुर, जो कि ट्रिंको मैली डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर एक सोलर पावर प्लांट लगाने का, और दो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स आए हैं नॉर्दर्न श्रीलंका में जिसमें इन्वेस्टमेंट आया है हिंदुस्तान के अडानी ग्रुप से। इन तीन चार प्रोजेक्ट्स को लेकर श्रीलंका के मीडिया में और कुछ दूसरे सेक्टर्स में संदेह का वातावरण है। ओके, कैसे है थोड़ा इसको देख लेते हैं। द वीकेंड न्यूज़पेपर संडे टाइम्स, तो ये एक साप्ताहिक पेपर है, इसने एक एडिटोरियल लिखा है कि न्यू दिल्ली वॉज रिसॉर्टिंग टू डिप्लोमेटिक ब्लैकमेल, कि न्यू दिल्ली जो है राजनीतिक ब्लैकमेल का सहारा ले रहा है। वाइल दूसरी तरफ कार्टूनिस्ट हैं श्रीलंका के, हैव डिपिक्टेड श्रीलंकन लीडर्स को डिपिक्ट किया है, बताया है ट्रेडिंग क्रूशल एनर्जी प्रोजेक्ट्स फॉर इमरजेंसी फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम इंडिया, तो जो बहुत ही क्रूशल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, जो महत्वपूर्ण एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, वो इसलिए ट्रेड किए गए हैं ताकि हिंदुस्तान से इमरजेंसी में फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सके। और द पॉलिटिकल अपोजिशन की अगर हम बात करें, राजनीतिक प्रतिद्वंद्वों की बात करें, तो पॉलिटिकल अपोजिशन हैज एक्यूज द अडानी ग्रुप, तो इन्होंने एक्यूज किया है, आरोप लगाया अडानी ग्रुप पर ऑफ एंटरिंग श्रीलंका, श्रीलंका में प्रवेश करने का आरोप लगाया थ्रू द बैक डोर, पिछले दरवाजे से श्रीलंका में प्रवेश करने का आरोप लगाया है, अवॉइडिंग कॉम्पिटिटिव बिड्स एंड ड्यू प्रोसेस। ये जो उनको अडानी ग्रुप को काम मिला है श्रीलंका में, तो इसके पीछे ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने श्रीलंका में बैकडोर से एंट्री ली है। प्रतिस्पर्धी बोलियों और जो नियत प्रक्रिया है इसकी, उससे बचते हुए, यानी हिंदी में बोले तो प्रतिस्पर्धी बोली और ड्यू प्रोसेस, उचित प्रक्रिया, ओके तो यहाँ पर हमारा ये आर्टिकल ख़त्म होता है। और अब हम लेते हैं दूसरा आर्टिकल, और दूसरा आर्टिकल भी द हिंदू के 22 मार्च के पेपर में ही है। श्रीलंका टर्न्स टू चाइना फॉर फर्दर 2.5 बिलियन असिस्टेंस, श्रीलंका चाइना के पास पहुँच रहा है फिर से 2.5 बिलियन डॉलर की सहायता के लिए। डेट रीस्ट्रक्चरिंग इन द वर्क्स, और चाइनीज एम्बेसडर ने कहा है कि डेट रीस्ट्रक्चरिंग इन द वर्क्स, यानी कि डेट रीस्ट्रक्चरिंग पर भी काम हो रहा है। तो डेट रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि कोई लोन सपोज चुकाना था 5 साल में, वो नहीं चुकाया गया, तो जो उधार रह गया और ब्याज भी, तो उसको रीस्ट्रक्चर कर दिया जाता है कि अब सपोज वो 15 साल में चुकाया जाएगा और उसकी जो है इंस्टॉलमेंट बांध दी जाती हैं। सो दिस इज डेट रीस्ट्रक्चरिंग। ओके, तो चलिए इस आर्टिकल को देखते हैं। तो कोलंबो द्वारा नई दिल्ली से
1 अरब डॉलर की क्रेडिट लाइन प्राप्त करने के कुछ दिनों बाद श्रीलंका ने चाइना से 2.5 बिलियन डॉलर का एक नया लोन, नया ऋण और एक क्रेडिट लाइन मांगी है। क्यों मांगी है? श्रीलंका अपनी सबसे खराब आर्थिक मंदी का सामना करने के लिए संघर्ष कर रहा है। ओके, और ये जो खबर दी है, ये वाली खबर ये दी है एक टॉप चाइनीज ऑफिशियल ने। ओके, श्रीलंका में चाइनीज राजदूत, चाइनीज एम्बेसडर कुई जेन होंग ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि चाइना श्रीलंका की एक फ्रेश रिक्वेस्ट, एक नए अनुरोध को, कहें के लिए अनुरोध, फॉर ए लोन ऑफ 1 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन डॉलर का ऋण, तथा 1.5 बिलियन डॉलर की एक क्रेडिट लाइन, मींस 1 बिलियन डॉलर का ऋण और 1.5 बिलियन डॉलर की एक क्रेडिट लाइन के लिए चाइना ने उसका जो श्रीलंका का जो अनुरोध है उसको कंसीडर किया है। एम्बेसडर ने यह भी कहा, दिस इज इन एडिशन टू द 2.8 बिलियन डॉलर असिस्टेंस, जो 2.8 बिलियन डॉलर की असिस्टेंस चाइना को दी, श्रीलंका को दी गई है चाइना द्वारा सिंस द आउटब्रेक ऑफ द पेंडेमिक, जब महामारी फैली थी उसके बाद। तो ये आपने शुरू पहले वाले आर्टिकल में पढ़ा था कि 2.8 बिलियन डॉलर की मदद चाइना ने पहले ही दी थी जब महामारी का प्रकोप प्रारंभ हुआ था, और 2.5 बिलियन डॉलर की मदद चाइना ने अब कंसीडर कर रहा है चाइना, जिसमें 1.5 बिलियन डॉलर एक क्रेडिट लाइन की बात है और 1 बिलियन डॉलर जो है वो लोन है। ओके, तो श्रीलंका अनेक महीनों से एक अभूतपूर्व, अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व, आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ओके, ए फॉरेक्स क्रंच, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज, एक विदेशी मुद्रा संकट ने इस देश को डॉलर्स के लिए एक तरह से हाथ पैर मारने पर मजबूर किया है। डॉलर्स किस लिए चाहिए? टू इंपोर्ट एसेंशियल आइटम्स, जो आवश्यक वस्तुओं को इंपोर्ट किया जा सके, आयात किया जा सके। और वही एसेंशियल आइटम्स कौन कौन से हैं? इंक्लूडिंग फ्यूल, ईंधन, भोजन एंड मेडिसिन दैट आर इन शॉर्ट सप्लाई, जिनकी आपूर्ति बहुत कम है। द राजपक्षा गवर्नमेंट इज इन टॉक्स विद द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड फॉर सम रिलीफ। तो जो राजपक्षा गवर्नमेंट है श्रीलंका की, वो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के साथ भी बातचीत में लगी हुई है कुछ रिलीफ के लिए, ताकि कुछ राहत मिल सके। ओके, आफ्टर इनिशियली रेजिस्टिंग द आइडिया, लेकिन शुरुआत में इस आइडिया का राजपक्षे सरकार द्वारा ही विरोध किया गया था। और कोलंबो इज ऑल्सो टैपिंग बाइलेटरल लोन्स फ्रॉम पार्टनर्स। तो कोलंबो जो है वो बाइलेटरल लोन्स, द्विपक्षीय ऋण भी प्राप्त करने जा रहा है, कहां से? न्यू दिल्ली से और बीजिंग से। ओके, तो श्रीलंका के अंदर ही कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको चाइनीज लोन से, ये जो चीन से जो ऋण आ रहा है, ज्यादा ऋण आ रहा है, मोर चाइनीज लोन, इसके प्रति वो संशय से भरे हुए हैं। दे रिमेन स्केप्टिकल ऑफ मोर चाइनीज लोन। और खास तौर पे 2017 के बाद जब कोलंबो ने अपना जो दक्षिणी हेम्बनटोटा पोर्ट था वो चाइना को 99 साल की लीज पर दे दिया, खास तौर पे इसके बाद, टू कन्वर्टिंग इट्स आउटस्टैंडिंग डेट टू चाइना इक्विटी, ताकि जो शेष ऋण है चाइना का श्रीलंका के ऊपर उसको इक्विटी में, अंश पूंजी में बदला जा सके। ओके, और ये कब हुआ? व्हेन, जब द श्रीलंकन पार्लियामेंट, जब श्रीलंका पार्लियामेंट ने एक कंट्रोवर्शियल बिल पास कर दिया, एक विवादास्पद बिल पास कर दिया, कौन से मामले पर? चाइना बैग पोर्ट सिटी, इस मामले पर। इस पर मैं आपको थोड़ा सा 2-4 लाइनें और बताता हूं इस मामले पर। अब ये जो प्रोजेक्ट है कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट, ये 1.4 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है, और ये 2014 में लॉन्च हुआ, उस समय राजपक्षा गवर्नमेंट का पहला टर्म था, प्रीवियस टर्म था। ओके, और तब चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने श्रीलंका को विजिट किया था। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इट्स ये जो बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट है, ये वर्तमान में डेवलप किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है ऑन लैंड, उस भूमि पर रिक्लेम्ड अलोंग साइड, जो कि कोलंबो का जो आइकॉनिक सी फ्रंट है, बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही खूबसूरत सी फ्रंट है, समुद्र तट है, उसके पास की जो भूमि जो रिक्लेम की गई है, उस लैंड पर इसको डेवलप किया जा रहा है। और जो पर्यावरणविद हैं वो, और जो मछुआरे हैं, इस मूव का विरोध कर रहे थे। जनवरी 2021 में श्रीलंका की कैबिनेट ने एक प्रपोजल को क्लियर कर दिया चाइनीज फर्म के लिए। और चाइनीज फर्म को पहले समझ लेते हैं, इसका नाम था चाइनीज फर्म का सिनोसर एचविन,
और प्रपोजल किया था कि स्थापित करना था टू इंस्टॉल हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा प्रणाली कहाँ पर, नैनातीवू डेल्ट और ये एक ही नाम है, ये नेदुनथीवू और अनालीतीवू यहां पर, ओके, जो कि पाक बे में लोकेटेड है। पाक अखाड़ी में स्थित हैं, ओके। अब ये जो स्मॉल आइलैंड्स हैं, स्मॉल आइलैंड्स आर कनेक्टेड टू द जाफना पेनिनसुला। तो ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं, ये जाफना प्रायद्वीप से जुड़े हुए हैं बाई ये फेरी सर्विस से जुड़े हुए हैं, यानी किसी को जाना है जाफना पेनिनसुला से तो फेरी से जा सकता है। मैनेज्ड मोस्टली बाई श्रीलंकन नेवी, जो कि श्रीलंकाई नेवी द्वारा ज़्यादातर मैनेज किए जाते हैं या उनका प्रबंध किया जाता है, ओके। अब इस प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट के बाद, इस ये जो परियोजना है इसकी घोषणा के पश्चात, भारत ने इन चीनी परियोजनाओं की, हिंदुस्तान की, भारत की जो सदर्न कोस्ट लाइन है, जो दक्षिणी तट रेखा है, उससे नज़दीकी होने पर, उससे निकटता होने पर अपनी चिंता जताई है, ओके। एंड इंस्टेड, और इसके बजाय ऑफर्ड ए ग्रांट टू एग्जीक्यूट द सेम प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट को निष्पादित करने के लिए एक अनुदान की को ऑफर किया, एक अनुदान की पेशकश की है, और द प्रोजेक्ट हैज नॉट प्रोग्रेस्ड सिंस, और इस परियोजना में इसके पश्चात कोई प्रगति नहीं हुई है। एंड फाइनली, दिस इज द फाइनल शीट, श्रीलंका के लिए जो चाइनीज एम्बेसडर हैं, जिन्होंने जाफना में विजिट किया था दिसंबर 2021 में, उन्होंने कहा है कि मीनवाइल, इस बीच चाइना वुड कंटिन्यू सपोर्टिंग डेवलपमेंट ऑफ तमिल पीपल इन द नॉर्दर्न प्रोविंस। उत्तरी प्रांत में, यानी कि श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में, चाइना तमिल पीपल के, तमिल लोगों के विकास को सपोर्ट करना, विकास का समर्थन करना जारी रखेगा चाइना, ऑब्वियसली ऐसा चाइनीज एम्बेसडर ने कहा, ओके। और ये जिनकी विजिट थी जो दिसंबर 2021 में हुई, इन्होंने मीडिया का बहुत ध्यान आकर्षित किया, खास तौर पे हिंदुस्तान में, ओके। और इन्होंने आगे कहा, चाइनीज एम्बेसडर ने, द तमिल पीपल एक्सप्रेस्ड ए वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप टूवर्ड्स चाइना, तमिल लोगों ने चाइना के प्रति एक बहुत मजबूत दोस्ती का संकेत दिया है, ओके। तो यहाँ पर हमारा ये दूसरा आर्टिकल खत्म होता है, और अब हम एक क्वेश्चन लेंगे सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 से। नाउ लेट अस टेक दिस क्वेश्चन फ्रॉम सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021। ये GS1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है, और ये पेपर था ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन व्हाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स में हम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज को मेजर क्यों करते हैं, प्रकाश वर्ष में हम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज को मेजर क्यों करते हैं, मतलब खगोलीय दूरियों को, ओके। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज मीन्स खगोलीय दूरियां। डिस्टेंसेज अमंग स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज, खगोलीय पिंडों के बीच में जो दूरियां हैं वो बदलती नहीं है, पहला ऑप्शन। ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज डज नॉट चेंज, स्टेलर बॉडीज, खगोलीय पिंडों का जो गुरुत्वाकर्षण है वो बदलता नहीं है। तीसरा, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। और चौथा, स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम, प्रकाश की गति हमेशा एक समान होती है। तो जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो तो इसका आंसर जानते हैं, जो आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं ऑब्वियसली उनको एक छोटी सी चीज़ में समझाना चाह रहा हूँ, साइंस वाले भी प्लीज़ सुने, कि इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे अगर हमको इसका आंसर नहीं आता है तो एलिमिनेशन मेथड से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको देखता हूँ कि क्या ये सही हो सकता है। डिस्टेंसेज अमंग स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज, ऑब्वियसली दे डू चेंज, ठीक। कैसे, बहुत सिंपल है, हम पृथ्वी के उदाहरण ले लेते हैं।
तो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है ना, तो ऑब्वियसली सूर्य एक बार इस फोकस पर होगा, एक बार इस फोकस पर होगा। सिंपल केपलर्स लॉ। इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस है पृथ्वी की सूर्य से, ये चेंज होती रहेगी। पॉइंट इज क्लियर? ठीक। तो डिस्टेंसेस अमंग सोलर बॉडीज डू चेंज, एक बात हो गई। दूसरी बात, ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज डस नॉट चेंज, कि स्टेलर बॉडीज की ग्रेविटी बदलती नहीं है। ऑफ कोर्स बदलती है ग्रेविटी। मैं सिर्फ एक उदाहरण लूंगा आपको समझाने के लिए। कुछ ब्लैक होल्स के मॉडल्स ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें आप जितना ज़्यादा उसके सेंटर की तरफ जाएंगे, ग्रेविटी बढ़ती जाएगी, तो ग्रेविटी बदलती है स्टेलर बॉडीज की। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन? नो नो। अगर हम न्यूटोनियन फिजिक्स की बात करें या क्लासिकल फिजिक्स की बात करें, तो ऑब्वियसली लाइट डज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें, जनरल रिलेटिविटी की अगर हम बात करें, या क्वांटम फिजिक्स की बात करें, तो इसको आप बेसिक चीज़ को याद रखिए कि बहुत मैसिव बॉडी, फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई ब्लैक होल है, तो ब्लैक होल के पास से जब कोई प्रकाश गुजरता है तो वो कर्व, स्ट्रेट लाइन नहीं, कर्व मतलब कर्व मोशन मतलब वक्री वक्री रेखा से पास होता है। ओके, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। स्पीड ऑफ द लाइट इज ऑलवेज सेम, इसमें कोई डाउट नहीं है, स्पीड ऑफ द लाइट इज ऑलवेज सेम। मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आपको और समझा देता हूँ एक्स्ट्रा इसी क्वेश्चन के रेफरेंस में, कि लाइट इज ए पार्ट ऑफ टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितने भी तरह की तरंगे हैं, इंक्लूडिंग प्रकाश की तरंगे, लाइट वेव्स, उन सब की स्पीड सेम होती है। तो आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ एक बार लिख देता हूँ, ये हमारे पास गामा रेज है, गामा, देन वी हैव एक्सरे, देन वी हैव अल्ट्रावायलेट, देन वी हैव वायलेट से लेके और रेड, जिसको आप विबग्योर या बेनी आहा पीनाला बोलते हैं, ये आपकी लाइट वेव है। ओके, देन वी हैव इंफ्रारेड, देन वी हैव माइक्रोवेव, एंड फाइनली वी हैव रेडियो वेव। ओके, तो इन सब की जो प्रकाश की गति, जो इन सब की गति है, ऑब्वियसली वो प्रकाश की गति, यानी कि प्रकाश ऑब्वियसली इज अ पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो हम इसको मैं लिख ही देता हूँ, इन सब की गति है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, और जनरल नॉलेज के लिए ही मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो गामा रेज हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक है। अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करें, आवृत्ति की, तो इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक है, लेकिन इसका जो तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ, वो सबसे कम है। ओके, और अगर हम रेडियो वेव की बात करें, इसका जो वेवलेंथ है सबसे ज़्यादा है, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है सबसे कम है। और फाइनली एक चीज़ और याद रखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो एनर्जी होती है, एनर्जी, इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, हिंदी में बोलें तो आवृत्ति। तो इसलिए गामा रेस की जो एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ये स्टील की मोटी मोटी चादरों को भी भेद कर निकल जाती हैं। ओके, द पॉइंट इज क्लियर। तो आगे से हम जो भी वीडियो लेंगे द हिंदू का, उसमें हम एक क्वेश्चन सिविल सर्विसेज का, प्रिफरेबली फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसको लेंगे। तो चलिए आज की क्लास अब यहाँ ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, ये मेरी गणित की वेबसाइट है, और ये जिस चैनल पे आप मेरे से अभी बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली मैथमेटिक्स ऑप्शनल फॉर सिविल सर्विसेज के लिए एक डेडिकेटेड चैनल है, और ये वाला जो चैनल है, ऑब्वियसली ये यूट्यूब चैनल है, इसको मैंने बिटली में लिया हुआ है, ये चैनल है मैथमेटिक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, नमस्कार।